हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपथ एकेडमी। त्रिपथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फोर्थ ईयर में हो, या फिर आपका किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। चाहे अगर हम आईपीयू की बात करें तो आईपीयू के लिए, या फिर किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी के जो बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी का एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन होने वाला है। तो किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ये प्रोक्टोर मोड क्या होता है, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेनली जो अभी आप लोगों के मन में डाउट यही है कि कैसे एग्ज़ाम्स होगा, कैसे ये कंडक्ट करवा पाएंगे, क्या होगा, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, किस तरीके से होगा, और सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि एडमिट कार्ड क्यों दिया गया है। तो ये सारी बात हमें परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोक्टोर मोड क्या है, एडमिट कार्ड क्यों दिया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोक्टोर मोड, ठीक है। तो हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोक्टोर मोड क्या होता है, इस टाइम से पहले इस बार सबको पता चला है, क्योंकि इस बार हमने कुछ नए वर्ड सुने हैं, जैसे कि लॉकडाउन, ठीक है, कोरोना वायरस भी, कोविड भी, वायरस के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, और प्रोक्टोर मोड क्या होता है, ये सारी बातें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रो बता देता हूँ कि क्या है प्रोक्टोर मोड, होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता था इससे पहले ऑफलाइन होता था, बिल्कुल आप लोगों को पता है, लेकिन इस बार जो है वो कोविड के चक्कर में ऑनलाइन होने वाला है। तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले ये जो प्रोक्टोर मोड है ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। हालांकि आप लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि आप लोग जो है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ये जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो अपने कॉलेज के लिए, सेमेस्टर के लिए। इससे पहले आप लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है प्रोक्टोर मोड। तो प्रोक्टोर मोड क्या है, होता है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को करना क्या होता है कि जैसे कि अगर आप लोग घर पे मान लो एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आपका अगर एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन, तो जैसे कि आप लोग का पीसी हो गया, ठीक है, या फिर पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, किसी भी चीज में आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। फोन में अगर बात करेंगे तो फोन में आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, बाकी में एक सॉफ्टवेयर दी जाती है। तो बेसिकली क्या है, ये AI पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जिसमें आप जो है कोई सा भी दूसरा आप टैब ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें फोन का, तो फोन में अगर आप मान लो कि एग्जाम दे रहे हो और आपने एप्लीकेशन उसे मतलब एक्टिवेट कर लिया है जब आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपके फेस के आसपास जो है एक रेक्टेंगल शेप बना लेता है, और उस रेक्टेंगल शेप के अंदर आपका फेस होना चाहिए। अगर उससे बाहर फेस होता है तो आप लोगों को वार्निंग दी जाती है, और भी बहुत सारे इनके टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे कि अगर आप भाई पहले तो आप कोई दूसरा टैब ओपन नहीं कर सकते हो, आप एग्जाम से वहाँ पर फिक्स हो जाते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जे मेंस का आपने एग्जाम दिया होगा तो हम कोई दूसरा नहीं ओपन कर सकते थे ना, तो उस टाइप से होता है। और अगर मान लो आप कोई दूसरा दिमाग लगा लेते हो यार कि चीटिंग के लिए, तो चीटिंग कैसे करेंगे, तो अगर मान लो आप कोई सा भी चीटिंग करते हो, तो अगर कोई से भी अगर नॉइज़ आता है आपके आसपास से, तो ये रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के वजह से पता चल जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इससे आप लोगों को वार्निंग दी जाती है, ये जो है 14 टाइम वार्निंग देते हैं, और हर एक इनका बेसिकली कुछ टाइमिंग है कि भाई हर एक 4 सेकंड पे जो है एक मतलब आपको एक फोटो क्लिक करेगा कि आप भाई क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं इनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि प्रोक्टोर एग्जाम किस तरीके से होता है और ये कैसे होगा, ये AI पे बेस्ड है और आप लोग चीटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालांकि आप लोगों को यार मतलब YouTube पे काफ़ी वीडियो दिख जाएंगे जिसमें आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग चीटिंग कैसे करोगे, लेकिन यार देखो वो बात मैं एग्री करता हूँ आप लोगों से कि यार देखो किसी भी एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर को इंसान बनाया है, ना कि सॉफ्टवेयर ने इंसानों को बनाया है। तो मैं एग्री करता हूँ कि यार बच्चे भी, ये 21st सेंचुरी चल रहा है, तो बच्चे के पास इतना दिमाग होता है कि अगर मान लो कि भाई हमें पहले नहीं पता, ठीक है, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर बच्चे दिमाग लगाते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि आप लोग कैसे चीटिंग कर सकते हैं प्रोक्टोर एग्जामिनेशन, प्रोक्टोर एग्जाम में आप कैसे चीटिंग कर सकते हैं, हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग ये भी नहीं बताऊंगा कि भाई आप लोग पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई जाके पढ़ाई कर लो वरना दिक्कत जाएगी, तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक करके जाओगे, क्योंकि ये बात एक सुनने में किसको ही अच्छा लगता है। खैर, लेकिन अब जो हम बात करते हैं वो ये है कि आईपीयू की अगर हम बात करें तो आईपीयू में अलग अलग कोर्सेज के लिए डेट शीट निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है भाई कि इसके एग्जाम्स होंगे, कब से होंगे, क्या डेट शीट है, इस टाइप से अलग अलग कोर्सेज के, काफी कोर्सेज के आ चुका है, कुछ कोर्सेज के अभी नहीं आया है, जैसे कि अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक का अभी नहीं आया है, लेकिन बाकी कोर्सेज का भी काफी जल्द
आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 25 जनवरी से आप लोगों का कहा गया था कि भाई एग्जाम स्टार्ट होगा, जहां तक मुझे लगता है कि 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा हम बीटेक की बात करें तो। बाकी कोर्सेज के लिए उन्होंने डेट से निकाल दिया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ipu.ac.in या फिर ipu.admission.nic.in पे जा करके नोटिस को देख सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप लोगों का डेट सेट क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आप लोगों का प्रोक्टोर एग्जामिनेशन होता क्या है और किस तरीके से होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो प्रोक्टोर होने वाला है, और अलग अलग कोर्सेज के लिए इन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसे कि कुछ कोर्सेज हैं उन लोगों का सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा और कुछ कोर्सेज हैं उन लोगों का ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप का होगा। अगर हम बीटेक की बात किया जाए तो बीटेक के लिए MCQ कहा गया, और भी अलग अलग कोर्सेज की बात करें जैसे कि बीएड हो गया या अलग अलग कोर्सेज उनके जो सब्जेक्टिव कहा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मुझे पता है आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा यार कि MCQ है कि कैसे होगा। आई एग्री कि यार देखो मतलब पहले तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे कि भाई कैसे करना है नहीं करना है, कि पहले तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे कि यार ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। और मतलब इनका शुरू से हमें पता ही है कि यार पहले इन्होंने कुछ कहा था कि भाई सब्जेक्टिव होगा, 2 यूनिट में से आएंगे, 2 यूनिट में से आप लोगों को जो होंगे 3 क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि इससे पहले जो थे 5 क्वेश्चंस करने होते थे। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने फाइनली चेंज कर दिया है और हम कुछ नहीं भी कर सकते, आप लोग कुछ नहीं कर सकते इनको। तो बेसिकली यही चीज़ें आप लोगों को एग्जाम देने के लिए अब MCQ कहा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि मेन जो डाउट है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अभी आप लोग रिसेंटली कॉलेज जाकर के एडमिट कार्ड लिए होंगे, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड किस लिए दिया गया है, आप लोगों के मन में यही सवाल है कि यार जब एग्जाम ही होने वाला है, प्रोक्टोर ही होने वाला है, ऑनलाइन ही होने वाला है, तो हम तो घर पर बैठ के एग्जाम देंगे। जब घर पर बैठ के एग्जाम देंगे तो फिर आगे एडमिट कार्ड की हमें क्या जरूरत है। तो आप लोगों को नहीं पता है यार, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पहले ऐसे ही नहीं है। ये जो आप लोगों का एडमिट कार्ड दिया गया है इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और आई होप आप में से शायद किसी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में। तो बेसिकली क्या है, आप लोगों का अगर आप जाके देखो तो आपके जो नोटिस है, नोटिस में नीचे लिखा हुआ है कि साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। तो बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो कि आप लोगों का जो एग्जाम्स होगा उसके लिए आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, और एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके वहाँ पे एडमिट कार्ड आप दिखाओगे, एडमिट कार्ड दिखा के फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आप एग्जाम दोगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये बात नहीं पता थी, लेकिन आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को ये कन्फर्म पता चल चुका है। अभी तक के इन्फॉर्मेशन से यही पता चला है, हालांकि अभी इन्होंने कुछ क्लियर कट नहीं कहा है, और ना तो कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसके इन्होंने अभी तक डेट सेट नहीं निकाला है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का सेंटर पे जा करके होगा। तो जो बच्चे प्लानिंग कर रहे थे या जो बच्चे वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि हम चीटिंग कैसे करेंगे, हाउ टू चीट इन अ प्रोक्टोर एग्जामिनेशन, सो यार ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग चीटिंग नहीं कर पाओगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके चीटिंग नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ये तो कंफर्म है, आप लोगों को पता है, और मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ यार कि स्पेशली मैं उनकी बात करूँ जिन जिन कोर्सेज के लिए ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि यार देखो जो भी बच्चे स्टडी कर रहे थे, ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा स्टडी कर रहा था तो यार उसके दिमाग में एक प्लानिंग होता है कि यार अभी तक जो है ऑफलाइन हो रहा है, अगर हमने स्टडी नहीं किया है, मतलब ऑफलाइन तो हो रहा है लेकिन बेसिकली क्या सब्जेक्टिव हो रहा है, अगर मैंने स्टडी नहीं किया लेकिन तब भी जाकर के जो है मैं कुछ तो लास्ट टाइम में कुछ एटलीस्ट स्टडी कर लूँगा और कुछ पढ़ के जो है वहाँ पे जाके कुछ तो लिख दूंगा, ठीक है, और कुछ लिख के मेरे इतने तो मार्क्स आ जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है मार्क्स लाना, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और जैसे कि बेसिकली पास होने के लिए 100 में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। आप लोगों का सेशनल भी होता है जो कि आप लोगों को उसमें 25 में से मार्क्स दिया जाता है, तो 25 में से या 20 के अप्रॉक्स सबको मिल ही जाएगा, 18, 19, 17 किसी को 21 ऐसे टाइप का मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 20 भी मिल रहा है तब भी अगर आप लोग 75 में से 20 मार्क्स ला सकते हो, इतना हर एक बच्चा कर सकता था अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो बच्चा अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अगर ले लिया, थोड़ा सा भी स्टडी कर लिया है तो उसे वो खींच सकता है, इतना तो बच्चे के अंदर टैलेंट आ जाता है, बचपन से बच्चे ने घसीटा है तो उतना उसे पता चल जाता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी दिक्कत आने वाले बात है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि एक अच्छे पढ़ने में है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे स्टडी करने में बच्चा है, वो पढ़ाई अच्छा करता है, लेकिन उसके साथ भी इस बार बुरा होने वाला है, क्योंकि यार प्रोक्टोर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे गएगा, क्योंकि बच्चे को पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और बच्चे पहले से प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ को लेकर के, तो काफ़ी दिक्कत आने वाला है। और ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा होगा तो फिर काफ़ी बच्चों के जो है काफ़ी गंदे मार्क्स आएगा, इवन बैक तक भी आ सकती है। तो यार लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हो, देखो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा तो स्टडी कर लो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है, एटलीस्ट मतलब कि जब आप लोगों को पता ही है जिस कोर्सेज का MCQ होने वाला है उसको तो यार ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है आप लोगों को, जैसे फॉर्मूला उसको डेरिवेशन अगर है आप लोगों का तो डिराइव नहीं करना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ा सा उसके रीड आउट कर लो, गो थ्रू कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा, ताकि उतने से कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन
नहीं है, और इसका आप लोगों के जो इंजीनियरिंग लाइफ उसमें काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि यार आप लोगों में से काफ़ी बच्चे होंगे जो स्कॉलरशिप लेते होंगे, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि स्कॉलरशिप हमें तब तक मिलती है जब तक हमारे बैग नहीं आ रखा होता है, और जैसे ही बैग आता है उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो जो ऐसा बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर इस बार अगर उसके बैग आते हैं तो फिर उसका भी स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगा, और इस बार बैक आना एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफ़ी दिक्कत होने वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस वेट करो, आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा प्रोक्टोर को लेकर के, आपके एडमिट कार्ड को लेकर के, और आपके एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं ये सारी चीज़ों को लेकर के। अगर कोई डाउट अगर बचा हुआ है तो जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अपने डाउट्स बताओ, हम लोग आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप जैसे और फ्रेंड्स के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो ठीक है यार, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।